ठीक है मित्रों, जैसे मित्रों आप लोग देख रहे थे ट्रांसफार्मर, आज हम लोग ट्रांसफार्मर के टाइप्स पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर के टाइप देखेंगे, अपक्षय और उच्चय। उसके बाद ट्रांसफार्मर में जो हानियां होती हैं उन हानियों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए मित्रों, आप लोग पूरा वीडियो देख कर हम शुरुआत करते हैं ट्रांसफार्मर की। पहला होता है ट्रांसफार्मर इनटू हाई वोल्टेज आर कन्वर्ट टू हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब हम देखें ट्रांसफार्मर के टाइप्स, यानी ट्रांसफार्मर टू टाइप्स। ट्रांसफार्मर इज ए टू टाइप्स। एक है आपका, पहला है स्टेप डाउन, और दूसरा क्या है स्टेप अप। ये आपका होता है, और ये हो जाएगा आपका उच्चाई। क्या हो जाएगा? उच्चाई ट्रांसफार्मर। इन दोनों के बारे में सबसे पहले आते हैं स्टेप अप। देखिए चित्र, देखिए ध्यान से चित्र में देखिए, इसमें जो है स्टेप डाउन, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसे हम लोग कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि जो अपचाई ट्रांसफार्मर डिवीजन, देखिए इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, फेरों की संख्या कम होती है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी अपचारित ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, जिनकी प्राथमिक कुंडली है और सेकेंडरी क्या है कम है, जिनकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो और सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, उन्हें हम लोग अपचारित ट्रांसफार्मर कहते हैं, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी अपचारित ट्रांसफार्मर, उच्चाई। ठीक है, उच्चाई ट्रांसफार्मर, इसमें क्या होगा, जस्ट उसी को उल्टा होगा, ये बीच में क्या, बीच में इसमें क्या होगा, ऊंचाई में इसमें प्राथमिक में फेरों की संख्या कम और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या होती है, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाती है, हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक मित्रों, तो अब इसमें देखिए हम लोग ये दोनों ट्रांसफार्मर हम आप देख चुके हैं, अब हम देखते हैं ये ट्रांस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करना होता है, हाई वोल्टेज को लो में करना, वहां स्टेप डाउन लगाते हैं, और जहां लो हाई वोल्टेज को लो में करना होता है वहां ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जहां लो वोल्टेज को क्या करना होता है हाई में करना होता है वहां ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर की हानियां, ट्रांसफार्मर की हानियां। चलो सबसे पहले यहां देखिए ट्रांसफार्मर एनर्जी लॉसेस, ट्रांसफार्मर में कुछ एनर्जी लॉसेस भी होती है। ठीक है ना, तो पहला है ट्रांसफार्मर कुछ एनर्जी लॉसेस हम लोग देखते हैं, इसमें तांबे के तार के लगाए होते हैं, तांबे यानी कॉपर होता है ना, मोटे तार के लगाए जाते हैं जिससे इसमें कम से कम कॉपर लॉसेस हो। ठीक है ना, और धारा का मान जब बढ़ता है तो उसमें कुछ लॉसेस उत्पन्न होते जाते हैं, तो इसे क्या किया, उस तारों को मोटा करता है जिससे कॉपर हानियां कम हो, तो ये हो गया आपका कॉपर लॉसेस। दूसरा है फ्लक्स हानियां, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है जिससे कारण उसमें थोड़ा सा क्या होता है, यानी फ्लक्स हानियां भी होती हैं। उसके बाद लौ हानियां आती हैं, यानी आयरन लॉसेस। ठीक है ना, जब उसमें पट्टियां क्या होती हैं, गर्म हो जाती हैं, गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा सा आयरन आ रहा है, उष्मा का ह्रास होगा तो पट्टियों का भी लॉस होता है, तो ये लौ हानियां आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक है एडी करंट हानि जिसे हम लोग भंवर धारा हानि कहते हैं, दूसरा आपका हिस्टैरिसीस हानि कहते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं भंवर धारा हानि। ठीक है, भंवर धारा हानि, चलिए इसकी डिफिनेशन देखिए, भंवर धारा हानि क्या होता है। ठीक है ना, जब ट्रांसफार्मर की लौह क्रोड से परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स भंवर धाराएं लोहे के क्रोड में उष्मा उत्पन्न करती हैं जिससे ऊर्जा की हानि होती है, भंवर धारा हानि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भंवर धारा हानि कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धारा हानि कहते हैं, इसे हम लोग एडी करंट भी कहते हैं, भंवर धारा हानि। इसको लेमिनेटेड क्यों किया जाता है,
जो आयताकार पट्टियां लगी होती है उसको लेमिनेटेड कर दिया, लेमिनेटेड इसलिए करते हैं भंवर धारा हानि को कम करने के लिए उसको लेमिनेटेड कर दिया जाता है। ठीक मित्रों, अब उसके बाद लास्ट में है शैथिल हानियां। शैथिल हानि कब होती है? जब उसकी क्रोड़े एक बार क्या होती है, चुंबकन और विचुंबकन की प्रक्रिया होती है तो उसमें शैथिल हानि भी होती है, जिसे हम लोग हिस्टेरेसिस लॉसेस कहते हैं। उसके बाद आता है क्रोड के कंपन के कारण हानि। क्रोड के कंपन के कारण हानियां, जब क्रोड के कंपन के कारण कुछ भी हानियां होती है, जैसे कि उसमें क्रोड जब ट्रांसफार्मर कंपन होता है तो क्रोड में कुछ ना कुछ हानियां रह जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर, हमने आपको पूरा बता दिया है। इससे पहले वाले वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्टेप स्टेप डाउन, इसके बारे में हमने पूरा अध्ययन कर लिए हैं। आप लोग इसकी सर ले लीजिएगा, उसके लॉसेस के बारे में पूरा बता चुके हैं। ठीक है मित्रों, तो मित्रों हमारे वीडियो को लाइक करना करना मत भूलिएगा अपने मित्रों के साथ, और पूरा वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जय हिंद मित्रों।